तो मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई मैं क्या पहनूंगा, तो मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ। मम्मी बहुत गुस्सा कर रही है यार। 50 रुपए पड़े हैं, ले लो क्या 50 रुपए? क्योंकि विपिन के पैर में लग गई है चोट। भंडारा कड़ी खिचड़ी का हो रहा है, नहीं सॉरी। अब यहाँ पर तैयारी हो रही है भंडारा शुरू करने की। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड एंड मेक श्योर आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी हम लोगों ने एक ब्लॉग एंड करा और अभी दूसरे स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो भाई, पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है, जो कि भी थोड़ी देर में कीर्तन होने वाला है। 10:30 बज रहे हैं, 1 या 1:30 बजे के करीब स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोगों ने जो बेड रखा था ना यहाँ पे, तो यहीं पे पूजा होने वाली है। इधर चौकी लगेगी और इधर गद्दा बिछेगा, ये वाला गद्दा। तो हम लोगों ने इसलिए बेड भी निकाल दिया बाहर और थोड़ी बहुत साफ सफाई। वैसे तो हम लोगों ने साफ सफाई 2 से 3 दिन पहले शुरुआत कर दी थी, बट अभी जो छोटा मोटा काम है वो अभी कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे फल भी आ गया। मम्मी अभी बाथरूम साफ कर रही है, 3 दिन से बाथरूम साफ कर रहा है भाई। अच्छा, अभी नहाए थे सुबह तो साफ कर रहे। और गाइस हम लोग ने स्पीकर भी लेकर आ गए हैं और ये रहे थोड़े फल, संतरा, मौसमी, केले, ये जो पूजा में चढ़ेंगे। और निक्की और मम्मी अभी साफ सफाई कर रही है। हाँ मम्मी, कपड़े लिए बेटा। अरे हाँ, अभी तक मैं अपने कपड़े भी नहीं लेकर आया। विपिन भी उधर ना मंदिर के पास है, विपिन भी ना टेंट का सब थोड़ा बहुत सामान उतरवा रहा है और जो भी टेंट में सामान लगेगा हलवाई के पास वो सब उतरवा रहा है। अभी विपिन तो बाहर गया, फिर मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ अपने कपड़े लेने। आज पूजा है, सबके कपड़े डिसाइड हो गया, बट मेरे को मेरे कपड़े ही नहीं मिले। कल रात को सीन ही कुछ ऐसा हो गया था। और गाइस ये देखो तुम, मतलब पूरा रूम कितना खाली खाली सा लग रहा है और बहुत अजीब सा भी लग रहा है। नहीं तो यहाँ पे बेड रखा रहता है ना इधर, और भाई देखो कितना खाली खाली सा लग रहा है। और ये शीशे से ना ऐसा लगता है कि भाई डबल रूम है, उधर भी जा सकते हैं। तो मतलब देखो कितना खाली स्पेस बच गया। और गाइस कुछ कुर्सी हम लोगों ने ना इधर भी रखवा दी है ताकि गेस्ट वगैरह आएंगे तो यहाँ बैठ जाएंगे। और ये दोनों जो लस्सी है ना हम लोग वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ पर हलवाई खाना बनाएंगे। दरी भी आ गई है और ये दरी ना घर के अंदर बिछेगी। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ लस्सी रख दी है और ये आ गया सामान, यहाँ बनेगा भंडारे का खाना। हलवाई ना यहाँ बैठ के बनाएंगे टेंट के नीचे, इधर सामने मंदिर है तो इधर हम भंडारा बांटेंगे। तो ठीक है गाइस, अब बिना देरी करे फटाफट चलते हैं अपने कपड़े लेने। तो गाइस अभी हम लोग आए कपड़े लेने। मैं देख रहा हूँ कुर्ता पहनना आज, क्योंकि पूजा है ना तो मम्मी ने बोला कि कुर्ता पहन लिया। तो अभी हमारे पास ना 2 कलर है, एक ये वाला कलर और एक ये वाला कलर। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया बताओ कौन सा ले हम लोग? भैया बोल रहे ये वाला। चलो ठीक है, अब भैया कह रहे हैं कि एक बार ये वाला टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये वाला पसंद नहीं आया तो फिर ये वाला टेस्ट करेंगे। फिटिंग क्यों नहीं होती? अच्छा लग रहा है, कलर तो बॉम्बे है, मस्त लग रहा ना। और कलर डिफरेंट है, जब इसको वाइट पजामे के साथ पहनोगे ना, अभी दिन से वाइट पजामे पहनेंगे तभी अलग लगेगा। तो गाइज मैंने ये वाला डिसाइड करा क्योंकि वाला कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और भैया ने भी बोला मेरे पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा स्मार्ट सा लग रहा हूँ इसमें। और इसके नीचे ना हम लोग पैंट वाला पजामा लेंगे और इसके ना थोड़ी बहुत फिटिंग करवानी है क्योंकि ये थोड़ा ना साइज में थोड़ा ओवर लूज है। तो गाइज हम लोगों ने अपना कुर्ता तो ले लिया है, बट वो हम लोगों को ना 1 या 1.5 घंटे बाद ही मिलेगा क्योंकि बगल में दुकान है, फिटिंग करवानी है हम लोगों को। हम लोग 1.5 घंटे बाद ले जाएंगे, ठीक है भैया? और भैया ने ना अच्छा कुर्ता दिया है, तो भैया की दुकान विजिट करना संतनगर में। दुकान का नाम कृष्णगर में, गली नंबर 22। और गाइस अभी ना 12 बजने वाले हैं और 1:30 बजे भाई पूजा स्टार्ट हो जाएगी और 1 घंटा तो मेरे को कुर्ते में ही लगेगा। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई मैं क्या पहनूंगा, बस फटाफट हमें कुर्ता मिल जाए और अभी बाकी के काम करने जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस घर पर आ गए हैं और जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि भाई तैयारियां हो गई है पूरे घर में, वहां से दरी बिछा दी है और वहां पे स्पीकर रख रखे है और यहाँ पर हमारे मंदिर का सामान, यहाँ पर मंदिर सजेगा और यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर होके कीर्तन होएगा, सब यहाँ बैठेंगे और फिर वहां तक बैठने का बना रखा पूरा मस्त। और भाई हालत देखो मेरी, मतलब कितना अजीब सा लग रहा हूँ मैं, मट्टी मट्टी हो गया वालों में, सुबह से बाइक पे चक्कर लग रहा है, सामान वगैरह काम करवाना सुबह से यही हो रहा है और हालत खराब हो गई है। 1 बजने वाले है और अभी तक देखो मेरे को मेरे कपड़े का ही नहीं पता, कोई तैयार हुआ या नहीं हुआ, सब ऐसे ही हो रहा है। मतलब नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई या फिर शादी होती है या फिर पूजा होती है या फिर कोई फंक्शन होता है उसमें तो लेट होता ही होता है। मैंने ना अभी ना मार्केट गया था ना कपड़े लेने, तो मेरे को ना कवर पसंद आया, तो कवर बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। और थोड़ी देर में ना गेस्ट आने भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो ठीक है बाकी जो भी कुछ काम वाम बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो गाइस सारा काम निपट गया है और धीरे धीरे ना मेहमान भी आ रहे बाइक मोड़ फटाफट, और अभी मैं जा रहा हूँ कपड़े लेने अपने। 1:30 बज गए हैं, 2 बजे भाई स्टार्ट होने वाले पूजा, फटाफट कपड़े लेकर आते हैं, सब तैयार हो गए घर में, बस मेरे को रानी गेट को छोड़ के। फाइनली गाइस कपड़े ले लिए और अभी दिन के 2 बज रहे हैं, फटाफट चलते हैं घर, सब रेडी भी हो गया है। तो गाइस नीचे ना कीर्तन स्टार्ट भी हो गया है, पूजा स्टार्ट भी हो गई है, सब कीर्तन कर रहे हैं और भाई तुम मेरे को देखो अभी तक मैं रेडी नहीं हुआ, सब रेडी हो गया है क्योंकि यार एक दो ना वहाँ पे हलवाई को ना सामान पकड़ाना था तो सारा काम मैं वहीं पे लग गया था, मेरा टाइम सारा वहीं चला गया था। तो मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ, मम्मी बहुत गुस्सा कर रही है। Few moments later. तो फाइनली गाइस हम लोग मस्त रेडी हो गया और हमारा आउटफिट कुछ ऐसा है, देखो वाइट कलर का पजामा, पैंट वाला पजामा है और ये पता नहीं कौन सा कलर है, नंदू ये
ये नेवी ब्लू कलर है। और आप लोगों को तो शोर आ रही होगा, सबका सपना भाई पूजा में बैठ रखे, सब कीर्तन में बैठ रखे हैं, और एक मैं और एक अनिकेत है, जो मतलब आखिर तक हम लोगों ना काम वाम के चक्कर में फंस गए और हम लोगों ना रेडी होने का भी टाइम नहीं मिला, बट अब रेडी हो गया फटाफट। अनिकेत और विपिन तो वहां पर है हलवाई के पास, जहाँ पर खाना बन रहा है, क्योंकि 2:30 बज गए, 4 बजे तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए, 4 बजे तक पूजा भी खत्म हो जाएगी, जैसे पूजा खत्म हो जाएगी तो भोग लगा के फिर भंडारा भी करना है। तो मैं अभी एक बार नीचे जाके मत्था टेक लेता हूँ, आशीर्वाद ले लेता हूँ, मैंने नहीं लिया बाकी सबने ले लिया है, तो ठीक है। तो ऐसा कुछ लग रहा है, कमेंट करके बता देना हमारा आउटफिट कैसा लग रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा नीचे तो चल रहा है कीर्तन, मैं अभी माता रानी का आशीर्वाद भी लेकर आ गया और माता भी टेक कर आ गया, और ऊपर तक ना आवाज आ रही है, मतलब बेस्ट वाइब आ रही है, अलग ही सुकून मिलता है जब माता रानी के गाने चलते हैं और कीर्तन चल रहा है नीचे। तो ठीक है, दर्शन तो कर लिया है, कीर्तन तो 1 या 1.5 घंटे तक चलेगा और तब तक हलवाई भी खाना बना लेगा, 3 बजने वाले हैं, 4 या 4:30 बजे तक ही चलेगा ये। तो ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ नीचे और मैं भी थोड़ी देर बैठता हूँ। भाई इतने मस्त वाइब आ रहे हैं ना, अलग ही सुकून मिलता है। और गाइस कमेंट करके बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मतलब मैंने पहली बार ना कुर्ता पहना पहली बार पूजा में, तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं गरम पट्टी और मूव लेकर आया हूँ, क्योंकि विपिन के पैर में लग गई है चोट, और यहाँ हलवाई लोग भी बैठे हुए हैं, खाना बना रहे हैं। मैं एक बार यहाँ पर इसलिए ताकि मैं एक बार देख लूँ ना कि काम वाम सही से चल रहे हैं, घर पे भी कीर्तन हो रहा है, तो मैं वापस घर जा रहा हूँ। विपिन यहाँ पे बैठा हुआ और अनिकेत भी यहीं बैठा हुआ, और मेरे एक दोस्त भी यहीं बैठे हुए हैं। यहाँ लग गई है क्या दोनों, ये वाला पैर ये देख, ओ भाई तो रखा है, ये वाला भी हो गया, इससे भी पहले ही गर्म पट्टी लगा रखी है, ध्यान रखे तू ज्यादा, ठीक है। इनको पकड़ा दो काम से बाहर बैठे हुए। गाइस अब आरती खत्म हो गई है, तो गाइस अभी आरती हो रही है नीचे, और अमन ना बहुत बिजी है, वो ना मतलब सामान इधर उधर लाने में वो बिजी हो चुका है, और मंदिर में हमारे भी तैयारी हो चुकी है भंडारे की पूरी, तो अभी थोड़ी देर में हमारा भंडारा स्टार्ट होने वाला है, अभी नीचे आरती हो रही है। और देखो गाइस हमारे पापा अब आ रहे हैं, सुबह से पूरे दिन नहीं आए और अब आ रहे हैं, चलो सही टाइम पे आए, अभी भंडारा होने वाला है, अब आप देखना हमारे यहाँ पे भंडारा होगा। गाइस जिसको पता नहीं वो आ सकता है, वैसे जब आप ये ब्लॉग देखोगे तो भंडारा खत्म हो चुका होगा। अमन ने वैसे स्टोरी लगा दी है भंडारे की, भंडारा कड़ी खिचड़ी का हो रहा है, नहीं सॉरी भंडारा हमारा चावल और कड़ी का हो रहा है, तो अभी नीचे चलते हैं, आरती हो रही है, आप लोग को दिखाते हैं। सब कीर्तन खत्म हो चुका है और सब प्रसाद ले लेके जा रहे हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और थोड़ा लेट हो गया है, 4 बजे की बोली थी बट थोड़ा लेट हो गया ना कीर्तन वीर्तन में, और वहाँ पे भोग भी लग गया है, और हम लोगों ने घर पे पहुँचा दिया क्योंकि जो भी सारे घर पे मेहमान हैं उनको घर पे खिला दिया है। और अब यहाँ पर तैयारी हो रही है भंडारे शुरू करने की, टेबल भी लगा दिया अखबार बिछा के, और यहाँ बन भी गया है, तो अब थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइस भंडारा स्टार्ट हो गया है, पेन और मेरे एक दो दोस्त बांट रहे हैं, और धीरे धीरे लोग भी आ रहे हैं, और सच में अब जाके ना थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सुबह से ना भागा दौड़ी कर रहे हैं। और गाइस मैं ब्लॉग थोड़ा कम कर पा रहा हूं, तो माफ कर देना क्योंकि भाई काम में इतना वो हो रहा है, और खाना भी यहां पे स्टार्ट हो गया है, बाकी धीरे धीरे लोग आ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। तो फाइनली गाइस भंडारा भी कंप्लीट हो गया है, खत्म भी हो गया है, और 7 बजने वाले, पता यार कितना मतलब थोड़ा टफ भी था, मतलब अच्छा भी लगा बांट के, और कंप्लीट हो गया है, बाकी जो थोड़ा बहुत कड़ी बची थी ना अभी मम्मी वो डाल रही है, चावल तो खत्म ही हो गया। हम तो सोच रहे हमारे लिए बचा होगा या नहीं बचा होगा, बट कोई बात नहीं, और सच बताऊं भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगा यार सबको खाना बांटना, मैं कड़ी डाल रहा था और मेरा भाई चावल डाल रहा था, और हम लोग एक्सचेंज करते ही रह रहे थे, दोस्त भी खड़े हैं यहाँ पर, भाई भी खड़े हैं, तो ये देखो अभी भी मेरे हाथ में ना चावल की कड़छी है, तो सच में अच्छा लगा, सुकून मिला, और जो भी आया तो भाई थैंक यू सो मच, आप लोग आए और खाया, बस मेरे लिए इतना बहुत था कि आप लोग आए और खाया, तो ठीक है थैंक यू सो मच आए। कड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई थी ना, चावल कम पड़ गए थे, तो अभी मम्मी कड़ी बांट रही सबको। फाइनली गाइस भंडारा अभी खत्म हो गया है, भैया मैंने आपका सरप्राइज करा है, भैया हेलो, ये मैंने कर दिया आपको, मेरे से मिलने आयो हाँ, भंडारा खा के नहीं गए तुम अभी,
भैया मैंने व्लॉग में बताया था अभी मैं भंडारा बांट के आ रहा हूँ, आप लोग आए क्यों नहीं? हाँ भैया वहाँ पे बट रहा था मैं। हाँ मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं यार तुम पहले आते। अब तो हमारे लिए भी नहीं बचा, सारा खत्म हो गया, वरना मैं अपने में से दे देता। हमारे लिए भी खत्म हो गया, सारा खत्म कर दिया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है, ठीक है बाबू। चलो मैं भी थोड़ा काम वाम करवा लूँ। चलो बाय बाय, ध्यान से जाना घर। तो फाइनली गाइस पूजा भी घर पर खत्म हो गई है और सब लोग जा चुके हैं, मैं भी घर पर हूँ। और ये देखो ये रही माता की चौकी, यहाँ पर दरी बिछा रखी है और अभी मैं ना दरी उठाने आया हूँ क्योंकि ये भी टेंट का सामान है। टेंट वाले भैया भी आ रहे हैं, वहाँ पे भी सारे बर्तन धो दिए हम लोगों ने और जो भी कुछ घर पे सामान था वहाँ सारा पहुँचा दिया, बस एक दरी रह रही थी और दरी भी उठा देते हैं क्योंकि अब हम लोगों को साफ सफाई भी करनी है। यार 50 रुपये पड़े हैं, ले लो क्या 50 रुपये? रहने देते हैं, चलो भगवान जी वरना मेरे को माफ नहीं करेंगे। तो गाइस दरी भी उठा दिया और भाई तुम ये देखो दरी के नीचे ना कितनी ज्यादा मट्टी थी यहाँ से लेके वहां तक, और अभी तो आधी से ज्यादा मट्टी ना इसके नीचे भी होगी। फाइनली गाइस टेंट वाले भैया भी आ गया और जितना भी सारा सामान था ना, पतीले दरी कुर्सियां टेंट, तो अब ये सब लेके जाएंगे। ये देखो आ गया और फिर यहाँ से सामान खाली करवाने के बाद ताला लगा के हम लोग भी फ्री हो जाएंगे। तो ठीक है गाइस सारा सामान भी यहाँ से उठवा दिया, पूरा खाली कर दिया और यहाँ पे हम लोगों ने साफ सफाई भी कर दी है। तो ठीक है गाइस सब घर पे भी आ गया और अब हम लोग खाना खा लेते हैं, जितना भी हम लोगों ने काम करवाया यहाँ सब बैठ के खाना खा रहे हैं। तो गाइस रात के 9 बजने वाले हैं और फाइनली जाके सारे गेस्ट भी चले गए, मतलब अभी थोड़ी बहुत रह रहे हैं और जितने बाहर के आए थे और जितने कीर्तन करने वाले आए थे सब चले गए। खाना भी खा लिया, भंडारा भी पूरा हो गया और काम भी कंप्लीट हो गया सारा, ऑलमोस्ट 9 बजने वाले, सारा काम भी खत्म हो गया और अभी हम लोग मस्त आराम से बैठे थोड़े सुकून से। मम्मी भी यहाँ बैठी है, पापा भी, और ये जो चौकी है ना ये कल हटेगी है ना? अच्छा जब तक ये जोत जलती रहेगी माता जी की तब तक चौकी रहेगी। बहुत बेस्ट वाई भाई, तब जब हम लोगों ने खाना बांटा और खाना खिला रहे हम लोग, मतलब इतना ज्यादा सुकून मिला ना, और जो लोग भी खाना खाने आए और मतलब अच्छा लगा, थैंक यू सो मच यार आप लोग आए। तेरा ये पहला एक्सपीरियंस था ना? मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा लगा? मस्त, अच्छा लगा ना? हाँ पहली बार हमारे घर में ना भंडारा हुआ है हमारे घर से। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे और भगवान जी की कृपा रही तो शायद आगे भी और करते रहे। तो अभी मैं भी बहुत ज्यादा थक गया और मैं भी ब्लॉग एंड करता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ना कल शायद एक सरप्राइज करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था जब हमारे 1,000, 10,000, 1,00,000, 1,000,000 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। तो हम लोगों ने 1,000 सब्सक्राइबर भी छोटा सा करा था, हम लोगों ने 10K सब्सक्राइबर भी करा था, तो हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर ना काफी टाइम पहले हो गए थे, बट उस टाइम ना हमारे घर का थोड़ा बजट ऊपर नीचे हो रखा था, ट्रेडिंग के मार्क जैसे तो ऊपर नीचे, तो वैसे थोड़ा बजट का थोड़ा हिल गया था, बट कोई बात नहीं, अब माता जी की कृपा से शायद अच्छा समय ना शायद यही था, अच्छा टाइम एक यही था जो हम लोग कर सकते थे। तो हमारे 1,10,000 सब्सक्राइबर हो गए आप लोगों के सपोर्ट से, तो हमने एक छोटा सा तो कार्य कर दिया, बट एक और सरप्राइज है वो आप लोग देखना अगले व्लॉग में, मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये हमारे 2 से 3 दिन स्पेशल व्लॉग आपको पसंद आ गए, तो ठीक है इस फिलहाल करते व्लॉग एंड। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।